पारसरुपेखा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं आचार्य कुंदकुंद स्वामी द्वारा विरचित। नविदूण सव सिद्धे जानोत्तम कवि दधीह संचारे दस दस दो दो वजने दस दो अणुपे हणम गुच्छे नमो अरिहंताणम नमो सीताणम नमो आयिरियाणम नमो उवजायाणम नमो लोए सव साहूणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो कर मंत्र पढ़ लो। तो हमारा जो विषय चल रहा है इसमें आश्रव अनुप्रेक्षा, आश्रव यानी कर्मों के आने का चिंतन करना, ठीक है ना। हम कर्म निरंतर बांध रहे हैं ये तो है ही है, वो तो ऑटोमेटिक चल ही रहा है, लेकिन उसके बारे में अगर हम समझते हैं, सोचते हैं, ठीक है, चिंतन करते हैं, तो हम अपने लिए कुछ कर्म प्रकृतियों का संवर कर सकते हैं, एटलीस्ट पाप प्रकृतियों को रोक सकते हैं। क्योंकि ये क्या होगा, ये हमारे लिए धर्म ध्यान होगा, ठीक है ना। अभी आवाज ठीक आ रही है, ये आवाज। हाँ, अभी तो आवाज ठीक आ रही है, बट व्हेन वी डू ध्यान तो उस वक्त ओके आप ओके ओके थोड़ा मेरा सा सॉफ्ट बोलते हैं ना, तो मुझे ओके सुनाई नहीं देता अच्छी तरह। थैंक अंडरस्टैंड, यू थैंक ठीक यू। रिटर्न ऑल राइट, ठीक है। तो हम आश्रव के बारे में सोचे कि आश्रव हो कहाँ कहाँ रहा है, हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे हम आश्रव कर रहे हैं। हो सकता है हम किसी जीव को डायरेक्ट ना मार रहे हैं, है ना, तो उस बात का चिंतन तो हमें नहीं करने की जरूरत कि हम, या फिर ये कर सकते कि अरे हम स्थूल हिंसा तो नहीं कर रहे, तो वो भी एक क्या है, तत्व का चिंतन है। आश्रव क्या है, तत्व है ना। अगर हम उसके बारे में अपनी हर एक्टिविटी के बारे में चिंतन करें तो हम कह सकते हैं हम आश्रव का चिंतन कर रहे हैं। तो हमें 4 प्रकार बता दिए थे कैसे कैसे आश्रव होता है। मिथ्यात्व से होता है, हमारी रॉन्ग बिलीव्स जो बैठे रहते हैं अंदर में उनके कारण भी हम कर्म का आश्रव करते हैं। अविरति, व्रतों को नहीं पालना यानी स्थूल हिंसा का त्याग नहीं करने से। फिर कषाय, हमारी क्रोध मान माया लोभ से हम करते हैं, और योग से, ठीक। तो ये गुणस्थान की अपेक्षा से बताया हुआ है तरीका, लेकिन अदरवाइज हम ये देखें तो हम योग से सबसे ज्यादा कर्म का आश्रव करते हैं। योग इज द मेन रीजन, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास शरीर है, मन है, वचन है, तो हम आश्रव करते ही हैं। अब उसके पीछे क्योंकि हमारी कषायों का उदय हमेशा होता रहता है, तो हम उस कषायों के कारण बंद भी करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कोई भी हिंसा करेगा तो बिना कषाय के तो हिंसा हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो इसलिए अविरति में कषाय ऑलरेडी इंक्लूडेड मान सकते हैं। और मिथ्यात्व हमारा 2 तरह से होता है, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। एक मिथ्यात्व तो ऐसा होता है जो हम जन्मों से लेकर आते हैं, जैसे अपने आप को स्त्री पुरुष ऐसा मानना, है ना, या अपने आप को यंग ओल्ड बच्चा ऐसा मानना, अपने को गरीब अमीर मानना, अंदर ही अंदर जो मान्यताएं चल पड़ती हैं हमारी, है ना, ये मेरे माता पिता, ये मेरी पत्नी, मेरा मानना, चीजों को मेरा मानना भी मिथ्यात्व है, ठीक। फिर कुछ चीजें हम ग्रहण करते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व। जैसे पेड़ को पूजना, पेड़ में जल देकर पूजना, सूर्य को जल चढ़ाना, गंगा में नहाना, है ना, इस तरह की जो चीजें हैं ये सब क्या आ जाता है, मिथ्यात्व।
रहित मिथ्या। तो इससे भी हम समझे, संभल के रहें। अब मिथ्यात्व के पर प्रकार बता दिए थे पांच और अविरति के पांच, ठीक। फिर हमें कषाय के चार प्रकार सभी को बहुत अच्छे से मालूम है वो। अब चर्चा जो चलेगी आगे वो है मन वचन और काय की। मन वचन काय से हम कर्म का आश्रव करते हैं, ये बात हमें समझ में आई थी पिछली गाथा में। उन्होंने कहा था मन वचन और काय के भेद से योग तीन प्रकार का है, ठीक है। तो हम मन से भी आश्रव करते हैं, वचन से भी और काय से भी, ठीक है, क्योंकि हम 24/7 मन वचन काय की क्रिया करते रहते हैं। तो अब आगे जो बताएंगे उसमें है कि ये जो तीनों हैं मन वचन काय योग, योग भी शुभ और अशुभ होता है, ठीक है। तो अशुभ क्या होता है, शुभ क्या होता है ना। अशुभ मन, फिर काय, और फिर तीन है ना अवचन, है ना। इनका थोड़ा सा अब एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हम सबसे ज्यादा जो कर्म बांधते हैं वो इन्हीं के आधार पर बांधते हैं। हमारी कषाय, हमारी अविरत, हमारा मिथ्यात्व, इन सब में कारण बन जाता है। लेकिन करते हम कैसे हैं, मन वचन काय से, ठीक है। तो मन वचन काय की क्रियाओं को दो भागों में बांटा, उसको देखिए क्या अपन। असुहे दर्भे दु एके कम्बणि दम्भ हवे दुविहम आहारादि सन्ना असुहमणम इदि विजानेहि। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, असुह असुह और इदर, असुह मतलब अशुभ और इदर मतलब होता है इतर, इतर मतलब उसके ऑपोजिट, ठीक है। तो अशुभ का ऑपोजिट शुभ हो गया, है ना। तो अशुभ और शुभ के भेद से दो दो प्रकार का क्या, एक के कम, एक एक प्रत्येक, यानी प्रत्येक योग वणिदम हवे दुविहम, दो प्रकार का बताया है, ठीक है। वणिदम बताया है क्या, मन वचन काय ये जो तीनों योग हैं प्रत्येक के अशुभ और शुभ दो प्रकार बताएं, ठीक है। ये तो बात समझ में आती है कि अशुभ और शुभ दो ही वाइब्रेशंस हम करते हैं, हम या तो पुण्य बांधते हैं या पाप बांधते हैं, इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं होता, फिर वो बांधना नहीं कहलाता। अगर हम कहें शुद्ध अवस्था, है ना, उसमें ना पाप बंधता है ना पुण्य बंधता है। तो जो शुभ और अशुभ है उसको हम पाप और पुण्य रूप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हर एक योग का पाप और पुण्य होता है, ठीक। तो क्या होता है, अगर हमें वो पता होगा तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। तो उसको बताया, आहार आदि सन्ना, सन्ना मतलब संज्ञा, आहार आदि, आपसे शायद पहले भी चर्चा हुई थी इस बारे में, चार प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। संज्ञा मतलब बाय डिफॉल्ट नेचर, क्या होता है, आहार, भय, हेतु मैं और परिग्रह, ठीक परिग्रह है। तो आहार मतलब सबको भोजन चाहिए, तो आहार आदि संज्ञा से क्या होता है, अशुभ मन, अशुभ मनो योग होता है, इदि विजाने ही, ऐसा जानना चाहिए, ठीक। तो हम क्या चिंतन करेंगे कि आहार आदि जो संज्ञाएं हैं, आहार यानी भोजन, ठीक, भय यानी डरना, किसी भी चीज का डर हो सकता है ना। इवन अपन जो बच्चों के फ्यूचर को लेकर डरते हैं, या अपने फ्यूचर को लेकर डरते हैं, या अपने परिवार को कुछ हो गया तो डरते हैं, या अपने परिग्रह को लेकर ही डरते हैं। कई लोग का होता है ना कि अरे कहीं मुझसे छूट ना जाए, छूट गया तो क्या होगा, है ना। कुछ भी भय, किसी भी प्रकार का भय होना, ये हमारा भय होना बाय डिफॉल्ट नेचर है, जैसे चींटी आदि है, आप उन्हें कभी रास्ता रोकते हैं तो उन्हें एकदम से भय लग जाता है ना। जानवर हैं, उन्हें एकदम से वो अलर्ट मोड में आ जाते हैं कि कहीं कोई मुझ पर अटैक ना कर दे, तो वो उनके अंदर का भय संज्ञा होती है।
वो एकदम से अननोन पर्सन को देखकर अलर्ट हो जाते हैं। कोई भी जानवर जो है अननोन पर्सन को देखकर कभी भी कैजुअल नहीं लेता, कभी भी, हमेशा अलर्ट होगा, क्योंकि उसको अंदर भय संज्ञा है। उसको लगता है कि पता नहीं इसका नेचर या इसकी इंटेंशन क्या होगी। बाद में उसकी चाल, उसके बोल, उसके उसकी एनर्जी, वो सब महसूस करके वो थोड़े शांत हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन उनका हमेशा भय का रहता है, ठीक है ना। तो आहार, जितने भी जीव हैं सबको आहार चाहिए। सबसे पहला थॉट आता है दुनिया भर का, पूरे दिन में हम सबसे ज्यादा सोच किसकी करते हैं, आहार आदि की, कैसे चलेगा, है ना, सुबह क्या बनेगा, दिन में क्या होगा, शाम में क्या होगा, फिर उसकी तैयारी करना, राइट। तो ये सब भी क्या है, ये जो विचार चलते हैं ना आहार आदि के लिए, ये हमारा अशुभ मनोवचन, अशुभ मन योग है, जो विकल्प आते हैं तो ये अशुभ मनोयोग है। और ऐसे ही भय के जितने भी विचार आते हैं, भले ही हमारे डिफॉल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं मानिए कि डिफॉल्ट है तो चलता है, वो अशुभ में ही काउंट होता है, ठीक है। फिर मैथुन से रिलेटेड जो भी ख्याल आए, ठीक है ना, तो वो अशुभ मन के ही परिणाम होते हैं। और परिग्रह, ठीक है ना, तो इवन छोटी छोटी चींटियों को भी देखें तो वो अपने लिए परिग्रह करती हैं, ठीक है ना, कि सर्दियों में, या चिड़ियाएं हैं जैसे, वो अपने घोंसले में अपना थोड़ा बहुत खाना वाना इकट्ठा कर लेती हैं, अपने घर बनाती हैं, राइट। सब जीव अपना अपना कुछ ना कुछ हैबिटेट बनाते हैं कि हम यहाँ पर सेफ फील करेंगे, भले ही उनका घर तिनकों का है, अपना घर इट्टी मिट्टी और ईंटों का है, लकड़ी का है ना। इस तरह से हम सब जो भी चीजें इकट्ठी करते हैं वो क्या है, परिग्रह। और उसके लिए हमारे अंदर जितने भी संकल्प विकल्प आते हैं चीजों को इकट्ठा करने से रिलेटेड, चाहे वो हमारे कपड़े हों, चाहे घर गृहस्थी का सामान हो, इवन किचन की पेंट्री, ग्रोसरी खरीदना, ये खत्म हो गया ये लाना है ना, तो ये सब क्या है, ये सब परिग्रह में आता है, ठीक है। तो ये अशुभ मन है। फिर हमारे अंदर जो भाव चलते रहते हैं, जो हमारी मेमोरीज हैं, वो रिपीट होते रहना, ये भी क्या है, अशुभ मन जानना चाहिए। तो हम अशुभ मन से पाप का आश्रव करते हैं, ठीक है। तो ये हमें एक चिंतन दिया जा रहा है, ठीक है। अगली गाथा पर चलते हैं। ये क्लियर हो गया कि आहार आदि संज्ञाओं से को अशुभ क्यों कहा? यहाँ पे एक मेरा प्रश्न है, अभी पूछू कि बाद में पूछ सकती? पूछ लेते हैं। हाँ, जैसे आपने ये संज्ञाएं जो बताई ना, इसमें से मोस्टली जो आहार की जो संज्ञा है, अगर उसको हम जैसे ऐसे तो अपन ऐसा ऐसे भोगने की वो नहीं रहती कि ये है हमें यही खाना है या ऐसे ही करना है, लेकिन अगर हम इस निमित्त से करें कि भाई अगर हमारा शरीर सही नहीं रहेगा तो हम कैसे अपने साधना करेंगे या तप करेंगे? बिल्कुल अगर कभी, वैसे हमेशा तो ये भाव नहीं रहते, लेकिन कभी अगर ऐसे भाव आ जाते हैं बिल्कुल सही। तो वो किस कैटेगरी, मतलब वो किस उसमें आएगा, मतलब वो हाँ, मेरा उसमें पूछना फोकस है। बदल गया, उसमें फोकस आहार पर ना होकर साधना पर चला गया, है ना, तो वो शुभ मन की क्रिया कहलाएगी, ठीक हाँ, है और ना। इसी का विपरीत, एक जैसे कभी कभी मन करता है चलो आज उपवास कर लेते हैं, लेकिन शरीर ही साथ नहीं दे रहा, लेकिन मन में बहुत इच्छा है, तो अपन क्या करें, चलो एकाशन करके उसको कर लेते हैं, अपना मन हल्का कर लो, कह लो इसी तरह से करते हैं, तो उसको कैसे लेते हैं उस चीज को? उसको तो सिंपल ही है, उपवास में ज्यादा पुण्य मिलता, एकाशन में थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन हाँ एटलीस्ट ठीक, 3 टाइम के आहार के विकल्प से तो बच गए ना। हाँ तो इसलिए उसमें डेफिनेटली जब हम इस तरह के नियम लेते हैं छोटे छोटे, तो उससे हाँ हाँ हमें उतनी देर के शुभ, लिए अशुभ हाँ से, शुभ परिणाम, हाँ समझ उतनी गई, देर के लिए, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ओके, थैंक यू, हाँ। याद रहे इसके।
नंदा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मेरे को ये थोड़ा कम समझ में आया है कि आहार के बारे में सोचना क्यों अशुभ है, क्योंकि अगर वो नहीं बनाएंगे तो हम अपना घर गृहस्थी मतलब जो है कैसे चलाएंगे, वो तो बहुत जरूरी पार्ट है। अच्छा, दूसरी बात ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम उपवास कर रहे हैं तो हमने एक मतलब एक पर्सन ने तो उपवास किया लेकिन बाकी लोगों के लिए तो हम कुकिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है मतलब? हाँ, तो जो पहला क्वेश्चन है कि आहार हमें बनाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बनाने से रिलेटेड नहीं बात चल रही है, यहाँ पर खुद के खाने से रिलेटेड जो हमारे अंदर विकल्प आता है, हमें भूख लगती है ना, हम उसके लिए सारे साधन जुटाते हैं, ठीक है, तो वो रूप जो हमारे संकल्प विकल्प चलते हैं वो अशुभ में कहाँ है, क्योंकि उसमें कहीं पर भी हमारा साधना की तरफ ध्यान नहीं है, बस पेट भरना। जैसे जानवर हैं, राइट, उनके आहार की संज्ञा को आप क्या कहेंगे, भूख शरीर उनको की जरूरत है ना, भाई, शरीर और चलाने के लिए भी तो खाना चाहिए। हाँ हाँ नहीं, हाँ चारों ये सिंपल है ना, अपन तो पूजा में ऐसा पढ़ते हैं ना, जितनी सामर्थ्य है उससे ज्यादा तप और त्याग करना नहीं चाहिए। वो करोगे तो वो हिंसा है। अपनी सामर्थ्य को देखो, खुद की सामर्थ्य कितनी है उसी हिसाब से करिए। आप व्रत करो या उपवास करो या वो, तो अपनी सामर्थ्य देख के करो, लेकिन सामर्थ्य को छुपाना भी नहीं। छुपाओगे तब भी परमात्मा का वो आपको पाप लगेगा। हाँ 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 नहीं बिल्कुल सही अंकल। तो आहार यहाँ पर सब प्राणियों को ध्यान में रखकर बताया जा रहा है, ठीक है, तो हर एक जो है वो खाने का जो फोकस रहता है, ठीक है ना, उसके बिना हम, ठीक है, माना एक दिन उपवास कर लेंगे, अगले दिन तो खाना ही पड़ेगा ना, हमारे बिल्कुल शरीर की शक्ति इतनी कम हो चुकी है कि हम इस तरह के तप में लग ही नहीं पाते, ठीक है ना, तो या वहां ये कह पर लीजिए कि आज मतलब अगर हमारे दिमाग ने ये सिग्नल देना बंद कर दिया कि तुमको भूख लगी खाना खाओ, तो हम बीमारी हो जाएंगे। तो ये सिग्नल आना भी तो जरूरी है, भूख लगना जरूरी है। नहीं, देखिए जब श्रेणी आरोहण होता है ना, महाराज मुनि महाराज हैं जैसे, और ध्यान में बैठ गए, तब उनके वो आहार संज्ञा का उदय ही नहीं होता, तब उन्हें भूख लगती ही नहीं, ठीक है ना, तो ये आहार लगना एक तरह से आहार की संज्ञा होना हमारी एक कमजोरी है, ठीक है ना, तो जैसे बाहुबली स्वामी ने 1000 वर्ष की तपस्या करी, तो आपको क्या लगता है उन्होंने 1000 वर्ष तक खाना डेली कैसे खाया होगा, नहीं खाया ना, ध्यान में ही लगे रहे, है ना, इसी तरह से तो ये आहार संज्ञा कमजोरी है, तो हमारी जो कमजोरियां हैं जैसे भय है ना, चारों को साथ में लेके चलना, आहार आदि संज्ञा जो बाय डिफॉल्ट होती है, बच्चा पैदा होता है और पैदा होते साथ ही आहार के लिए रोना शुरू कर देता है और कुछ नहीं मांगता, उसे पेट भरना रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में उसको फीड देनी पड़ती है, क्योंकि उसको हमेशा के लिए क्या है, एक संस्कार है, ठीक है ना, तो बचपन से ही जो चीज शुरू शुरू हो गई और हम ता उम्र वो करते आते हैं उसी के लिए, फिर प्रैक्टिस के लिए कि नहीं इतना ज्यादा आहार संज्ञा में इंडल्ज मत हो, तब कहा कि उपवास करो, ठीक है ना, अपनी धर्म ध्यान में लगो, उस चीज से बचो, इन संज्ञाओं से बचाने के लिए ही कहा जा रहा ठीक है, ठीक है है। अब वर्षा जी आपने हाथ रेज किया, जी। जय श्री नंदा। नहीं, मैं खाली एक ये ऐड कर रही थी कि हम ये सोचते हैं हमेशा कि खाना बनाना है, अरे कुछ अच्छा सा बना दे, ये सब सोच सोच कर दिमाग खराब करते हैं ना, वही वो मैं ऐड करना चाह रही थी, तो वो भी इसमें आएगा? बिल्कुल आएगा, हम हाँ जो विकल्प करते हैं वैसे तो वो भोजन कथा में है, आगे चल के आएगा, है हाँ अच्छा ना, जब हम डिस्कस करते हैं आज क्या बनाना है, क्या सोचना, ये सब, तो हाँ, वो मतलब वो सोचने में ज्यादा दिमाग खपता है, तो ऐसे वो भोजन शरीर कथा में चलाने के आ लिए सिंपल खाना बनाओ वो गए ठीक है, हमारी वो यहाँ पर। श्रावक है तो होगा, लेकिन हम सोचेंगे ये वैरायटी बना लो, वो बना लो, ये बना लो, लाइक ज्यादातर जीभ में लोलुपता करते हैं, बहुत यहाँ लालच। पर जो मेन फोकस है वो है अपनी खुद की भूख के लिए, ठीक जी है, ओके, और जो वही आगे चल के भोजन कथा आएगा वो है बनाने से रिलेटेड, क्या अच्छा बनाना, क्या ओके खाना, कहाँ जाना, कहाँ जाके खाना, ये सब क्या है, भोजन कथा,
अच्छा वो यहाँ नहीं होगा, वो ठीक आगे है, बताने थैंक वाले। यू, बस वही मैं पूछ रही थी, थैंक यू। हाँ चारू जी आपने हाथ रेस किया। हाँ जय जी, चारू जी, मैं बस ये मतलब मेरे को ऐसी वो फीलिंग जब आप बोल रही थी तब आई कि हम जो खाते हैं वो तो हमारी मजबूरी है ही, खैर इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमें ये भी याद मतलब हमें इसलिए भी शायद पाप का वो होता है कि हम जो खा रहे हैं वो तो हम किसी न किसी जीव को हानि पहुंचा के ही खा रहे होते हैं। कोई भी हम नॉन लिविंग थिंग तो खाते नहीं है, हम जितनी भी चीजें खाते हैं वो सारी लिविंग थिंग्स को ही खाते हैं। तो मतलब तो इस तरह से भी हमें शायद उसको एक तरह से मतलब पाप का वो समझना चाहिए, क्योंकि हम किसी न किसी ढंग से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई जीव की हानि करके अपनी भूख मिटा रहे हैं। हाँ ऐसा कह सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर जो मेन फोकस है वो है हमारा ध्यान किधर है। ठीक है, हम हाँ आर भय मैथुन परिग्रह इन चारों संज्ञा से डे टू डे ऑपरेट हो रहे हैं, या हम अपनी साधना की तरफ फोकस कर पा रहे। हमारा जो पर्पस है लाइफ का मिलने का, मनुष्य पर्याय मिलने का, वो अगर ये ध्यान है, चाहे वो फिर आहार करते हुए क्यों ना हो, ठीक है, तो हमारा फिर मन क्या कहलाएगा? शुभ मन कहलाएगा। अच्छा ठीक है, तो इन संज्ञाओं में ही इंडल्ज होकर काम करना वो अशुभ मन है। ठीक है ना, ओके नहीं तो अगर ऐसा माने तो मुनि महाराज भी आहार करते हैं, तो क्या उन्हें तो पाप का आश्रय होगा ना चाहिए फिर? नहीं, जो है मन जो है वो इस चीज से आहार ग्रहण होता है कि ये मेरे शरीर को पुष्ट करके मेरी साधना में सहायक बनेगा। ओके ठीक है, दैट मेक्स अच्छा सेंस, थैंक यू। यह मोर टुवर्ड्स इंटेंशन की प्रथा हाँ है, बिल्कुल, राइट? इंटेंशन भी और हमारी उसमें इतनी ग्रिद्धता या अपना भुलावा टाइप्स कि हम भूल ही गए कि हम हैं कौन, क्योंकि एक हाँ आहार भय मैथुन और परिग्रह ये जानवर भी करता हाँ करते हैं, हाँ है ना, तो उनका हमेशा अशुभ का आश्रय हो रहा होता है क्योंकि हाँ उनके हाँ शुभ करने के लिए विवेक नहीं है। ठीक राइट। है, तो हमें इसीलिए कहा दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, हम जब इन चार संज्ञाओं से ऑपरेट हो रहे हैं तो अशुभ मन है। ठीक है, और जब हम इनको अलग कर दें, हम अपने आप को भयमुक्त महसूस करें, हम किस बात का भय करें? आपको याद होगा सम्यक दृष्टि को सात भय नहीं होते, क्यों हाँ नहीं होते। कहा होगा, है ना? सम्यक दृष्टि इन चार संज्ञाओं से ऊपर उठना जानता है। हाँ राइट। ठीक है ना, तो इस अब उसने अपने को अशुभ से बचाना शुरू कर दिया। हाँ ठीक है ना, तो थोड़ा सा डीपर मीनिंग है इसका, तो उस अपेक्षा से देखें कि हमारी सोच कैसी है, क्या हम एक जानवर की पर्याय से ऊपर उठ पाए हैं? ठीक है, वैसे चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट गाथा की ओर। किन्हा दी तिणी ले सा करण जसोखे सुसगिद्धि परिणामो ईसा विषाद भावो असुहमणम ती अर्जिना वेन्ती। अब यहाँ पर अनदर अशुभ मन की बात बता रहे हैं, क्योंकि मन में किस किस तरह के परिणाम आ सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। पहले में क्या बताया कि हमारे बाय डिफॉल्ट जो हर जीव के होते ही होते हैं वो तो हो गया बाय डिफॉल्ट वाले। अब ये वाली जो है ये हमारी कषायों पर बेस्ड जो परिणाम होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। किन्नादि, किन्न मतलब कृष्ण, आदि आदि में तीनों लेनी है हमें, तिन्नी तीन, लेसा लेश्याएं, तीन लेश्याएं क्या हैं? अशुभ मन को बताती हैं। ठीक है, और क्या क्या बताती हैं अशुभ मन को? करण, करण होता है इंद्रियों को, करण कहते हैं, ज मतलब उपजन, तो इंद्रिया जन्य इंद्रियों से उपजा सुखे सु सुख में गिद्धि, यहाँ पर सिद्ध नहीं गिद्ध होना चाहिए, गिद्धि परिणामों, गिद्धि होता है मतलब गृद्धता, हमारा उसमें आसक्ति, तो इंद्रिय सुखों में तीव्र आसक्ति, तीव्र लालसा है ना, और ईसा ईसा ईर्ष्या,
फिर विषाद भावो, विषाद करते हैं जो हम, हमारे अंदर जो विषाद के भाव होते हैं। असुहमणम, असुहमणम मतलब अशुभ मन। ती य जिणा वेन्ति, जिणा मतलब जिनेन्द्र भगवान ने वेन्ति बताया है या जिनेन्द्र देव ऐसा जानते हैं कि हम जब कृष्ण आदि तीन लेशिया, कृष्ण आदि तीन लेशिया कौन सी तीन अशुभ लेशिया में आती हैं, कृष्ण कापोत नील, कृष्ण नील और कापोत, ये तीन लेशियाएं जो हैं, ये लेशिया की जानकारी सभी को है? प्लीज रेज हैंड अगर किसी ने पहली बार लेशिया वर्ड सुना है। हाँ ओके शिफाली जी, ठीक है। तो क्या होता है, हम लोग जब अपने मन वचन काय की जो क्रिया करते हैं उसके पीछे हमारी किस तरह की कषाय है, ठीक है। लेट से आपको तीव्र क्रोध आया, बहुत तीव्र क्रोध आया है ना, और आपने एक्शन क्या ले लिया, किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है। तो ये तीव्र क्रोध क्या होगा, जिसमें किसी का मर्डर हो गया, किसी का हर्ट हो गया, वो कृष्ण लेशिया कहलाएगी। तो लेशिया क्या होती है, हमारे मन वचन काय की जो क्रिया लेशिया से लिंपित होती है, मतलब लेशिया से कवर्ड होती है, कोई ना कोई कषाय उसमें जुड़ी होती है, ठीक है। और ऐसा कभी होता नहीं है कि हम कषाय ना करें, है ना। तो मन वचन काय की जो भी हम क्रिया करते हैं तो उसके लिए एक टेक्निकल वर्ड यूज किया, लेशिया, ठीक है। तो एक होता है किसी को बहुत गुस्सा आया और इसने किसी का मर्डर कर दिया, एक को गुस्सा तो आया लेकिन अपने को समझा लिया, और एक ऐसा है पर्सन जिसको गुस्सा ही नहीं आया, है ना, उसके लिए सब चलता है, जो समता में रहते हैं उनके लिए सब चलता है, दे आर ओके विथ एवरीथिंग, उनको गुस्सा आता ही नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह के भाव अलग अलग लेवल जो होते हैं कषायों के, उनसे ये छह डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए फर्दर, ठीक। तो मन वचन काय और कषायों के मेल से छह सेग्रीगेशन या छह डिवीजन कर दिए, ठीक है। तो उनको क्या नाम दे दिया, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, ठीक है। तो इनको एक साथ मोटा मोटा इनका हम मीनिंग निकालते हैं, क्या मीनिंग निकालते हैं, जैसे कि कृष्ण लेश्या वाले की भावनाएं कैसी रहती हैं, बहुत तेज लड़ने वाला, शत्रुता को जल्दी से ना छोड़े जो, है ना, हर बात में लड़ने को आ जाए, धर्म के नाम पर लड़ना, मतलब दूसरे की जान जाए तो जाए, मेरा धर्म रहना चाहिए, यू नो, धर्म के नाम पर लड़ने वाला, दया धर्म से रहित होने वाला, दुष्ट हो जो, दूसरे की चीजें हड़पने वाला, है ना, बहुत तीव्र विषयों में इच्छाएं रखने वाला, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर कषाय की बात नहीं चल रही है, उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है, तो जिसकी कृष्ण लेशा है उसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक, दूसरे को तकलीफ देकर खुश होने वाला, ठीक है। तो ऐसा पर्सन कृष्ण लेशा, तो ये अशुभ में है, जो ऐसे कुछ भी बिहेवियर करे, है ना, मन से वचन से और काय से, तो उसको कह दिया कृष्ण। नील में क्या होगा, नील में थोड़ा बेटर होगा, कृष्ण वाले से थोड़ा कम, बहुत अच्छा तो वो भी नहीं है लेकिन थोड़ा कम, बहुत लोभी, माया करने वाला, अगेन आहार आदि जो संज्ञाएं ऊपर बताई उनमें अगर बहुत इंटरेस्ट हो किसी का, दिन रात बस उन्हीं के बारे में सोचते रहने वाले, ठीक है ना, बिल्कुल भी अपना फोकस, अपने मैं क्या हूं मैं कौन हूं इस तरह का कोई फोकस नहीं, और बहुत आलसी, एक्सेप्शनली आलसी, कुछ करने का ही नहीं, क्योंकि मनुष्य पर्याय मिली है ना, तो हम अपने लिए कुछ तो एफर्ट लगाएं, हम डेली मंदिर ना जाके वीकली मंदिर जाएं, पूजा आदि करें, कुछ तो करें अपने कल्याण के लिए। तो जो नील लेशा वाला है वो कुछ करना में उसकी इच्छा नहीं रहती, उसका मन बस आहार आदि संज्ञाओं में ही लगता है, दूसरे की कमी निकालना, बुराई करना, वो भी एक्सट्रीम के साथ,
ताकि दो लोगों में लड़ाई हो जाए इतना ज्यादा। फिर कापोद थोड़ा उससे बेटर लेकिन स्टिल अशुभ, ठीक ना, गुस्सा करना, दूसरे का मन दुखा देना, ईर्ष्या करना, है ना, अलग से भी यहाँ पर बताया है ईर्ष्या करने वाला, राइट, और अपनी अपनी प्रशंसा करते रहना, ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है ना, और किसी भी अच्छे काम में इंटरेस्ट नहीं होना, दान आदि क्रियाओं में इंटरेस्ट नहीं होना, दया के कामों में इंटरेस्ट नहीं होना, ठीक। तो ये कापोतलीशा वाले के लक्षण हो गए, और ऐसे तो मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन ये समरी वे में बता रहे हैं, ठीक है। फिर पीत में क्या होगा, थोड़ा बेटर और बेटर हो गया, अब ये शुभ में आ गई, ठीक है। शुभ में भी तीन होती हैं, पीत, पद्म और शुक्ल, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक। तो पीत क्या है, गुड, पद्म बेटर और शुक्ल बेस्ट। तो अब जो काम है दान दया करने वाला, जिसको कि पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना, तो अपने लिए मुझे पाप से बचना है ना, मुझे शुभ में लगना है, तो ऐसी एटलीस्ट जानकारी रखने वाला। फिर पद्म होगा तो वो ऐसे कार्य करने लग जाएगा, अच्छे काम करने लग जाएगा, जो त्यागी होगा, है ना, व्रतों में जिसका मन लगता होगा। फिर शुक्ल वाला पूरी तरह से पापों से उदासीन, पाप में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमेशा एक्टिव रहना पाप से बचने के लिए, ठीक, समता में रहने वाला, कभी इंद्रिय विषयों की तरफ इच्छा नहीं करने वाला, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कुछ लेशाएं होती हैं, लेशा की पहचानें बताई हैं। अदरवाइज इन छह में से जो अशुभ है वो उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो कृष्ण आदि तीन लेशाएं जो अभी बताए, कृष्ण का नील और कापोत, ठीक, और इनमें ही ये लगा सकते हैं, इंद्रिय जन्य सुखों में तीव्र लालसा, बस सब कुछ मुझे मिल जाए ऐसे भाव रखने वाला, ठीक, ईर्ष्या करने वाला तथा विषाद भाव रखने वाला, विषाद मतलब अननेसेसरी दुखी होने वाला, खुद भी दुखी है और दूसरों को भी दुखी करना, कि नेगेटिविटी फैलाने वाला भाव जो होता है वो अशुभ लेशा कहलाए, ठीक है ना, और दूसरे के अच्छे गुणों को सहन नहीं कर पाना इस ईर्ष्या, ठीक है ना। तो इस तरह के चीजों से बचना भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इससे हम क्या कर रहे हैं, अशुभ यानी पाप का आश्रय कर रहे हैं, अशुभ मन की क्रियाएं हैं ये, है ना। हम सोचे कि अरे हमने क्या किया, हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, हम तो ईर्ष्या मन ही मन कर रहे हैं, नहीं, विषाद मन ही मन कर रहे हैं, तीव्र इच्छा कर रहे हैं विषयों की, लेकिन नहीं, मन में होने वाले भावों से भी कर्म बंधता है, ठीक है, भले किसी को दिख नहीं रहा है लेकिन कर्म बंधता है, ठीक। तो आई थिंक यहीं तक रखते हैं, ताकि 15 मिनट का अपना थोड़ा सा ध्यान भी कर सके, ठीक है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, स्मिता जी एंड शेफाली जी, थोड़ा सा क्लियर हुआ, स्मृति जी, सॉरी, स्मृति जी एंड शेफाली जी, हाँ चारू जी, बहुत अच्छे से समझ आया, थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू, हाँ मैं समझ आया, थैंक्स। गुड, मुझे बोलिए। एक है बस छोटा सा, जैसे मैंने कोई कसाई की, क्रोधी होता है मोस्टली, ठीक है, अच्छा, क्रोध किया लेकिन अचानक से याद आ गया, अरे नहीं क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, तो वो 48 वो मैंने वो वाला अपने साथ भी चलता है क्या? हाँ चलता है, बिल्कुल चलता है, अच्छा जितनी अच्छा जल्दी हम अपने को संभाल लें, हम हाँ क्या हाँ कहलाएंगे, मंद कषायी कहलाएंगे, हाँ ठीक है ना। तीव्र ओके जी, कषाय में तीव्र मोहनीय कर्म का बंध होता है, जितना लंबा हम खींचते हैं उसको, ठीक है ना, और मंद कषायी होते हैं जो हो गया गुस्सा 5 मिनट में नॉर्मल। हाँ ठीक है, धन्यवाद। चलिए, ये 5 मिनट वाले ही मंद कहलाएंगे या 15 मिनट वाले भी मंद में आएंगे? नहीं, 15 मिनट वाले भी, बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके अंदर तीव्रता कितनी थी उस क्रोध की, ठीक है ना।
हो सकता है 5 मिनट में भी किसी को इतना क्रोध आ सकता है कि किसी का मर्डर ही कर दे, ठीक है ना? तो यहाँ पर समय इतना मैटर नहीं करता, तीव्रता मैटर करती है। नहीं, आप अपने मन मन ही मन में गुस्सा कर रहे हैं किसी पर, और बहुत गुस्सा कर रहे हैं, तो अगर 15 मिनट तक गुस्सा किया, या क्योंकि सोच रहे हो और गुस्सा आ रही है, तो 15 मिनट तक सोचा, हाँ, और 5 मिनट तक सोचा, तो 15 मिनट तक सोचना भी क्या मतलब तीव्र। डिपेंड करता है अगेन कि आप कितनी तीव्रता से 15 मिनट तक गुस्सा कर रहे हैं। भले ही आपने मुंह से नहीं बोला, लेकिन अंदर ही अंदर आपके भाव बहुत खराब हो रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि उतनी देर तक आप निरंतर तीव्र मोहनीय कर्म का बंद कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अपने को तीव्रता भी कम रखनी है और ड्यूरेशन भी कम करनी है, तब जाके मंद कषाय कहलाएगी। नॉर्मली मंद कषाय यही होती है कि तीव्र ना हो कषाय, ऐसी ना हो कि हम दूसरे का बिगाड़ कर दें या अपना बिगाड़ कर लें, है ना? कभी आपने नोटिस किया हो जो ये सुइसाइड वाले होता है ना, वो एकदम से आवेश आता है, भली थोड़ी देर बाद ऐसा रियलाइज हो कि अरे मैं क्या करने जा रहा था, पता भी नहीं रहता, इतना तीव्र आवेश आ जाता है, और उसमें इंसान अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है, राइट? तो ये सब क्या है, तीव्र कषाय के परिणाम होते हैं जिसमें हम अपना या दूसरे का बिगाड़ कर देते हैं। तो उस तरह की कषाय से बचना, और कषाय हमारे लिए अच्छी नहीं है ये भाव को याद करके जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाना, ठीक है ना? अपने को बच्चा बनने की सलाह दी गई, ठीक है? चलिए जल्दी से अपना ध्यान करते हैं। 3 गहरे सांस, शरीर में जहां कहीं भी खिंचाव महसूस हो उसको ढीला छोड़ दें। पूरी बॉडी को स्कैन करें, कहीं पर भी खिंचाव है उसको ढीला छोड़ दें। अपने ध्यान को, फोकस को सांसों पर ले आएं। अब अपने अंदर चिंतन शुरू करेंगे। आश्रव के बारे में, ये आश्रव यानी कर्मों का आना मैं अपने लिए खुद करता हूं। दिन भर में कितने विचार मेरे अंदर आते हैं, सुबह से लेकर रात में सोने तक, जागृत अवस्था में तो इसकी निरंतरता बहुत ज्यादा। कभी किसी के बारे में सोचना, कभी किसी प्रकार का विकल्प, हर समय संकल्प विकल्पों में समय जाता। थोड़ी देर भी मन में ये ख्याल नहीं आता कि मुझे अपने लिए भी कुछ करना, मुझे अपनी इन अशुभ मन की क्रियाओं को थोड़ी देर के लिए विराम देना होगा, कुछ अच्छा सोचना होगा, नहीं तो आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये तो एक जानवर भी करता है। जैसे तैसे अपना पेट भर लेता है, हर समय भय में रहता है कहीं कोई मुझे मार ना दे, कहीं कोई बीमारी ना आ जाए। इस तरह के भय से हम अपना जीवन जीते रहते हैं। भय के विचार हमारे अशुभ मन की परिणति है।
हम ध्यान दें किस तरह के विचार हमें आ रहे हैं, उनकी नेचर क्या है। हम हर समय अपना सामान जोड़ने में लगे हैं या किसी तरह के इंद्रियों के सुख को पाने में लगे हैं। रसना इंद्रिय के सुख, कुछ अच्छा खाने मिल जाए। स्पर्श इंद्रिय का सुख, कुछ अच्छा पहनने छूने के लिए मिल जाए। कर्ण इंद्रिय के सुख, कुछ अच्छी तारीफ प्रशंसा के शब्द सुनने मिल जाए। आंखों का, चक्षु इंद्रिय का सुख, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर जगहें, सुंदर सुंदर फूल आदि को देखूं, नेचर को देखूं, या कोई टीवी प्रोग्राम देखूं। नासिका इंद्रिय से कुछ अच्छा सुनूं, दुर्गंध वाली चीजों से बचूं। बस इसी में मेरा समय इन्हीं संकल्प विकल्पों में जाता रहता। ये सब भी मुझे अशुभ मन के परिणाम बताए। तो मैं दिन भर में अच्छे कर काम करता ही नहीं, इसका मतलब मैं अपने लिए अशुभ मन हो, अशुभ मन के कार्य संकल्प विकल्प ही करता हूँ। तो ऐसे तो मुझे हर समय पाप का ही आश्रय होता है। नहीं, मुझे इन पाप के आश्रय से अपने मन को बदलना होगा। थोड़ी देर के लिए सही, जब मैं अपनी आहार आदि संज्ञाओं से आहार के बाद थोड़े समय के लिए किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प से बचूं, या अपने मन को अच्छे विचारों में लगा दो। मुनि महाराज भी तो आहार करते हैं, लेकिन उनका मन तो अशुभ नहीं रहता। मैं उनका चिंतन करूं, उन्हें कोई भय नहीं रहता क्योंकि उनके पास कोई परिग्रह नहीं है। वे जानते हैं कि ये जीवन आयु कर्म के रहने तक ही, तो मृत्यु से क्या भय। कोई बीमारी असाध्य वेदनीय कर्म के उदय से आती है, जो मैंने ही बांधा था, तो मैं उससे क्यों भय करूं। मेरा फोकस अच्छी अच्छी चीजों की तरफ है, अच्छे विचारों की तरफ है। कर्म मैंने बांधे, ये कर्मों का फल है। मेरे पास जितना परिग्रह है, जो कुछ भी मुझे मिला, वह मेरे कर्म का फल है। उसमें और की आवाजें अब बंद कर दूं, और चाहिए ये संकल्प विकल्प अशुभ मन के परिणाम।
बच्चों को लेकर जितने भी परिणाम हो उसमें भी मैं थोड़ा विवेक रखूं। जहां तक जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उतना करूं, और व्यर्थ के विकल्पों संकल्पों से बचूं। बाकी भी परिवार के जितने सदस्य हैं उनसे होने वाले अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से मैं अपने को बचा कर रखूं। विषाद भाव ना करूं, बहुत उदास ना हूं, एक मन में उत्साह बना कर रखूं, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ कि मेरे पास जीवन है, मैं जी रहा हूं, मेरे पास समय है अपना कल्याण करने का। उन क्षणों के लिए अंदर में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लाएं, ताकि ये क्षण जिसमें आप अपने कल्याण की बात सोच पा रहे हैं और आते चले जाएं। अपने मन को आनंद के साथ भर लें कि पूरे दिन में स्वाध्याय करके मैं अपने आत्म कल्याण की चिंतन कर पा रहा हूँ। ये मेरा अहोभाग्य है। धन्यवाद इन क्षणों के लिए। ऐसे विचार शुभ मन के विचार हैं। मैं इनको ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करूं। इतनी अवेयरनेस मेरे अंदर रहे कि अशुभ के संकल्प विकल्पों से बचूं और इनको शुभ विचारों की तरफ मोड़ दूं। देवशास्त्र गुरु के बारे में चिंतन करूं, उन्होंने क्या कहा है, मुझे क्या करना चाहिए। भले ही मैं कर ना पाऊं लेकिन मुझे करना है, जैसे ही मौका मिले मुझे करना है। ऐसे विचार भी शुभ मन के विचार हैं। इन विचारों से मैं पाप कर्म के आश्रव से बच रहा हूं। यही आश्रव अनुपरीक्षा का हमारे लिए चिंतन है। हम इसको निरंतर करते रहें, जब समय मिल जाए तब सोचें कि कैसे विचार चल रहे हैं अंदर में, और जैसे ही लगे कि अरे ये तो अशुभ मन के विचार हैं, उसको शुभ में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। मन को किसी गुरु के अनुराग में लगा दें, गुरु की छवि को याद करें, मुस्कुराती हुई छवि को याद करें, या किसी भी शास्त्र की किसी एक पंक्ति को याद करें जो आपको बहुत अच्छी लगती है, किसी
किसी नीति वाक्य को याद करें। यही हमारे लिए कल्याणकारी। और आप ऐसा कर पा रहे हैं। अब अपने फोकस को वापस से बाहर की तरफ ले आए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिन वाणी स्तुति जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ पढ़ने पर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।